क्योंकि कांग्रेस की सोच रही है ये इच्छाएं पूरी करते हैं। पहले भी आप लोगों ने इनका इतिहास देखा है, पूरे देश ने कांग्रेस का इतिहास देखा है। लोकसभा के अंदर जब इनकी सरकार कहीं इनको लगता था कि दिक्कत में है तो फिर ये कुछ लोगों की इच्छाएं पूरी करते हुए ढूंढते थे। जितने किसी को होंगी, सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, सरकार पूरी मजबूती से काम कर रही है और इनकी इच्छा प्रदेश के लोग पूरी करने वाले नहीं है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार के ऊपर विश्वास करते हैं कांग्रेस के लोग और मोदी जी भारतीय जनता पार्टी विकास के ऊपर विश्वास करते हैं। आज पूरा प्रदेश भी देख रहा है, आज पूरा देश भी देख रहा है इन कांग्रेस के क्रियाकलापों को, जिस प्रकार से ये जनता की इच्छाओं को तो पूरा नहीं कर सकते, जनता के बीच में तो झूठ बोल करके उनको बरगलाने का काम करते हैं, परंतु इस प्रकार से ये भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं कि सरकार अल्पमत में है, सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, मजबूती से सरकार काम कर रही है, भ्रष्टाचारियों को किसी प्रकार से बचने की जरूरत नहीं है, जो भी भ्रष्टाचारी है सरकार उनको कड़े से सख्ताई से कार्रवाई करेगी। बिना खर्ची के कांग्रेस के 10 वर्ष से ज्यादा नौकरी देने का काम हमारी सरकार ने की है। देखिए कोई काले झंडे नहीं, 25 मई के बाद आप यही है, हम भी यही है, बैठ जाएंगे। हमने उन किसान भाइयों को कहा है कि मोदी जी ने जो काम किए ऐसे काम नहीं किए हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कितना पैसा दिया आपके सामने बताया है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 3.5 लाख करोड़ रुपया किसान के खाते के अंदर पहुंचाया है, 14 अन्य फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम हरियाणा के अंदर किया गया है, भावांतर भरपाई जो सब्जी का किसान है उसको देने का काम हमारी सरकार द्वारा किया गया है, अगर सोलर पंप की बात करें उसको ऊपर सब्सिडी दे करके कितने 5 HP 10 HP के ट्यूबवेल लगवाने का काम किसान का हमारी सरकार ने किया है, चाहे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से जो स्प्रिंगल वाटर ड्रिप इरिगेशन है, जो पैदावार 2014 में कांग्रेस के समय में होती थी उससे बड़े भाग के अंदर आज इस जो सब्सिडी दे करके प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से ज्यादा जमीन के ऊपर हमारा किसान पैदावार कर रहा है उसको भी एमएसपी पर खरीदने का काम हमारी सरकार कर रही है, चाहे यूरिया या डीएपी के ऊपर सब्सिडी देने का काम वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है, क्योंकि इसके जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रभाव बढ़े थे वो पहले भी 2014 के अंदर बढ़े थे, वो किसान को जो 262 रुपये का 63 रुपये का यूरिया का थैला था वो 780 रुपये में मिलना शुरू हो गया, जो डीएपी का 400-460 रुपये का हमें थैला मिलता था वो 1200 रुपये में उपलब्ध हो गया। आज भी इसके रेट बढ़े थे परंतु नरेंद्र मोदी जी ने इसके ऊपर सब्सिडी दे करके किसानों को इसका लाभ देने का काम किया, चाहे मेरे यहाँ सिक्का के अंदर जो हमारे किन्नू का किसान है अगर वो अपने किन्नू को दूसरे स्टेट में मंडी में ले जाना चाहता है उसके ऊपर भी किराए के अंदर उसको सब्सिडी दे करके लाभ देने का काम हमारी सरकार ने किया है। वो ये धरना जो बन रहा है ये धरना ये कांग्रेस के लोगों के घर के आगे बनता है कि उन्होंने लंबे समय तक 55-60 साल इस देश के ऊपर शासन किया, वो भी बताएं किसान को बताएं देश के, और आप लोग भी पूछें हम भी पूछ रहे हैं जो श्वेत पत्र जारी करके बताएं कि उन्होंने 55-60 सालों में देश के किसानों के हित में कौन कौन से कदम उठाए हैं, क्या क्या लाभ पहुंचाए हैं, और मैं 36 काम हमने किसानों के हित में किए हैं, चाहे उनको ट्रैक्टर सब्सिडी पर देने की बात है, चाहे उनको रूटावेटर है, चाहे उनको रिपर या बेलर सब्सिडी पर देने की बात है, ये हमारी सरकार लगातार किसान के मजबूत कर रही है। देखिए मैं आज आप लोगों के माध्यम से
यह आग्रह करना चाहूंगा कि गर्मी की ज्यादा चिंता या परवाह न करें। इस स्वच्छ लोकतंत्र के लिए, ये लोकतंत्र का पर्व, इस प्रकार से हम दीपावली का पर्व मनाते हैं, विजयादशमी का मनाते हैं, होली का मनाते हैं, यह भी हमारा लोकतंत्र का एक पर्व है जिसके अंदर हमें बड़ी पंचायत का चुनाव करना है। मेरा आग्रह है आप लोगों के माध्यम से सभी प्रदेश और देशवासियों के कि वो घर से बाहर निकल करके अपना राष्ट्र हित के लिए, ये राष्ट्र विकास की ऊंचाइयों को छुए, अपना मत देने का काम करें ताकि स्वच्छ लोकतंत्र आगे बढ़े, मजबूत लोकतंत्र हो और लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर, देश की अपेक्षाओं के ऊपर खरा हो। मेरा पूरा परिवार, मेरा पूरा परिवार गुरु ग्रंथ को मानने वाला है। मेरी माता जी तो हर रोज सुबह सुबह गुरबाणी को सुनती है, तो भोजन करती है। आप नहीं 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 देखिए देखिए ना, जो वहाँ की रिपोर्ट आई है, जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने कहा कि वो ये पूछने के लिए आए थे कि आप क्या सामान मुख्यमंत्री जी को दे रहे हैं। कहा हमने दिखाया है, मैंने उनकी वीडियो भी सुनी है। उन्होंने कहा कि अगर एक डिब्बा हम मिठाई का दे रहे हैं, एक लोई दे रहे हैं, एक मोमन को दे रहे हैं, वो उन्होंने देखा है और देख करके वापस आ गए हैं। गुरु के कारण ही हम जिंदा हैं और गुरुओं का आशीर्वाद है। और ये सरकार तो हमारी गुरुओं को, जो हमारी वो संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, चाहे गुरु नानक देव जी का 550 साल वर्ष हो, चाहे गुरु तेग बहादुर जी का 400 साल वर्ष हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह जी का 350 साल वर्ष हो, ये मनाने का गौरव हमें इसी सरकार में मिला है। मैं धनभागी हूँ और इस सरकार की ये बातें जो करते हैं वो ठीक नहीं है। और मैं तो गुरुओं के चरणों में शीश नवाता हूँ और कहीं भी इस प्रकार की बात नहीं है।